किसी ने क्या खूब कहा है, गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी से हम सीखेंगे कि आपके किसी अच्छे काम का विरोध समाज के लोग करते हैं तो आप उनके विरोध से कैसे बचें ताकि आप अपने काम में सफल हो जाएं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है विरोध का सामना। गंगा के तट पर एक संत अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, यदि हम कुछ नया कुछ अच्छा करना चाहते हैं पर समाज उसका विरोध करता है तो हमें क्या करना चाहिए? गुरुजी ने कुछ सोचा और बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन जब सभी शिष्य नदी के तट पर एकत्रित हुए तो गुरुजी बोले, आज हम एक प्रयोग करेंगे। इन तीन मछली पकड़ने वाली डंडियों को देखो, ये एक ही लकड़ी से बनी है और बिल्कुल एक समान है। उसके बाद गुरुजी ने उस शिष्य को आगे बुलाया जिसने कल प्रश्न किया था, पुत्र ये लो, इस डंडी से मछली पकड़ो। गुरुजी ने निर्देश दिया, शिष्य ने डंडी से बंधे कांटे में आटा लगाया और पानी में डाल दिया। फौरन ही एक बड़ी मछली कांटे में आ फंसी। जल्दी पूरी ताकत से बाहर की ओर खींचो, गुरुजी बोले। शिष्य ने ऐसा ही किया। उधर मछली ने भी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, फलतः डंडी टूट गई। कोई बात नहीं, ये दूसरी डंडी लो और पुनः प्रयास करो, गुरुजी बोले। शिष्य ने फिर से मछली पकड़ने के लिए कांटा पानी में डाला। इस बार जैसे ही मछली फंसी, गुरुजी बोले, आराम से एकदम हल्के हाथ से डंडी को खींचो। शिष्य ने ऐसा ही किया, पर मछली ने इतनी जोर से झटका दिया कि डंडी हाथ से छूट गई। गुरुजी ने कहा, ओह, लगता है मछली बच निकली, चलो इस आखिरी डंडी से एक बार फिर से प्रयत्न करो। शिष्य ने फिर वही किया, पर इस बार जैसे ही मछली फंसी, गुरुजी बोले, सावधान, इस बार ना अधिक जोर लगाओ ना कम, बस जितनी शक्ति से मछली खुद को अंदर की ओर खींचे उतनी ही शक्ति से तुम डंडी को बाहर की ओर खींचो। कुछ ही देर में मछली थक जाएगी और तब तुम आसानी से उसे बाहर निकाल सकते हो। शिष्य ने ऐसा ही किया और इस बार मछली पकड़ में आ गई। क्या समझे आप लोग, गुरुजी ने बोलना शुरू किया, ये मछलियां उस समाज के समान है जो आपके कुछ करने पर आपका विरोध करता है। यदि आप इनके खिलाफ अधिक शक्ति का प्रयोग करेंगे तो आप टूट जाएंगे, यदि आप कम शक्ति का प्रयोग करेंगे तो ये आपको या आपकी योजनाओं को नष्ट कर देंगे, लेकिन यदि आप उतने ही बल का प्रयोग करेंगे जितने बल से वे आपका विरोध करते हैं तो धीरे धीरे वे थक जाएंगे, हार मान लेंगे और तब आप जीत जाएंगे। इसलिए कुछ अच्छा करने में जब ये समाज आपका विरोध करे तो समान बल प्रयोग का सिद्धांत अपनाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि समाज की बुराइयों, समाज की अच्छाइयों और समाज के विरोध को आप नज़रअंदाज करते रहिए और तब तक करते रहिए जब तक कि आप सफल ना हो जाए। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह आपको 5:30 बजे मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।